उसे अब तक पता नहीं चला कि ये प्लान क्यों बना रहे। भाभी क्या बल्कि भैया को भी समझ नहीं आया, ये प्लान हम बाबा और काकी के लिए नहीं, उन दोनों के लिए बना रहे कि उन दोनों को थोड़ा टाइम साथ में स्पेंड करने को मिल सके। उन्हें समझ में आए ना, पर हमें ये प्लान सक्सेसफुल करना ही होगा ताकि दो प्यार करने वाले हमेशा हमेशा के लिए एक हो सके। देर हो रही है। अरे हाँ बा आ रहा हूँ, और देवर्ष ने गाड़ी में सामान रख दिया है। लक्ष्मी, ए लक्ष्मी कहाँ रे? अरे चल जल्दी, अरे चलो चलो। लक्ष्मी सबसे पहले हमें ही वहाँ पहुँचना है और ठाकुर जी की पोशाक हमें ही मिलनी चाहिए। चल जल्दी चल। प्रतीक देख रहा है नए नए रईसों को, उनको लगता है कि ठाकुर जी की पोशाक लेने नहीं खरीदने जा रहे, पर भाई इन्हें कौन बताए कि ठाकुर जी की पोशाक तो खानदानी लोगों को ही मिलती है। सुन रही है लक्ष्मी? ये नौटंकी वालों ने खुद को खानदानी समझना शुरू कर दिया है, और इन्हें वहाँ पोशाक तो क्या प्रसाद भी नहीं मिलने वाला। हाँ अरे माँ तू तो क्या कर रही है, इन लोगों से लड़ाई करी? मैंने तुझे बताया था ना, अगर तू मंदिर में टाइम पे नहीं पहुंचेगी तो पोशाक किसी और को दे देंगे। अरे तो चलो ना, अब चल। तुम सामान जल्दी डालो गाड़ी में। चलो रमेश, माँ और मासी को श्रीराज जी के मंदिर लेके जाओ, जाओ जल्दी। सुरेश जल्दी से मेरी गाड़ी निकालो और बाबा प्रतीक को इनसे पहले वहां पे पहुंचो, और तुम भी सामान रखो, पोशाक हमें मिलनी चाहिए। हेलो मंदिर में पूजा हो रही है, कोई कार रेस नहीं, जहाँ जो जीतेगा उसे पोशाक मिलेगी। हाँ तो मंदिर में श्रद्धा देखते हैं, खुशी आ रही नहीं कि जो दिमाग लगाएगा वो पोशाक ले जाएगा। तो मैं भगवान पे पैसे चढ़ाता हूँ, दिमाग नहीं। हाँ तो भगवान ने तुम्हें पैसे दिए तो पैसे चढ़ाओगे ना, दिमाग दिया हो तो यूज करते ना। ओके माँ मैं लेट हो रहा, मैं जा रहा हूँ। अरे दिखरा तू कहाँ जा रहा है, तू नहीं चलेगा हमारे साथ? नहीं माँ मैं लॉयर के पास जा रहा हूँ डिवोर्स के नए पेपर्स बनवाने के लिए। रुको मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। है? तो तू हमारे साथ नहीं आ रही? नहीं माँ, क्योंकि अगर मैं इसके साथ नहीं गई ना तो ये अपने हिसाब से क्लोजेस चलवा लेगा, तो मैं हरगिज नहीं होने दूंगी। तो जल्दी चलो, मैं तुम्हें बर्दाश्त कर लूंगा और तुम्हारे लिए वेट नहीं करूंगा। है? ये तेरे साथ जाएगी? हाँ माँ इसे जाना दो मेरे साथ, वो क्या है कि दोस्तों को अपने पास रखे ना रखे चलेगा, लेकिन दुश्मनों को हमेशा अपने सामने रखना चाहिए ताकि हम उनके ऊपर नजर रख सके। और वैसे भी मैं डिवोर्स के नए क्लॉजेस बनवाऊंगा ना, तो इसे अपने सामने रखूंगा, फिर डिवोर्स देने में नाटक नहीं करेगी। हाँ तो मैं भी यही चाहती हूँ कि सारे क्लॉजेस मेरे हिसाब से बने ताकि तुम बाद में पैसे देने में आनाकानी ना करो। चलो दुश्मन का हाथ पकड़ोगे? For your very kind information ना, मैं ना अपने मायके और ससुराल वालों से चुप के अपने पति से झूठ बोल के आई हूँ। So जो भी करना है ना, सोच समझ के करना। अच्छा जी, तो मैं भी अपने घर वालों से ससुराल वालों से चुप के अपनी बीवी को धोखा देके तुमसे मिलने के लिए। कभी मजाक में भी ऐसी बात मत बोल देना। एक शब्द ने हमें एक दूसरे से हमेशा दूर रखा है, ऐसे सुनना भी नहीं चाहती। ओके अरे कहाँ जा रहे हो, यूटर्न क्यों लिया? वेल मेरे प्लान में एक और प्लान है जिसके बारे में मैंने तुम्हें तो क्या तुम्हारे भाइयों को और मेरी बहन को तक नहीं बताया। नॉट बैड, आजकल बड़े प्लान्स बनाए जा रहे हैं। ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो प्लान बनाना। मतलब आजकल ऑफिस में काम कम और प्लान ज्यादा बन रहे हैं। अरे ये इश्क ने हमें निकम्मा बना दिया, वरना हम भी थे बिजनेसमैन बड़े काम के। तो मिस्टर
मजनू, क्या आप बताने का कष्ट करेंगे कि आखिर प्लान है क्या? वेल, मैंने पारुल और प्रतीक से कह के सारे घर वालों को हवेली पूजा के लिए भेज दिया ताकि वो हमसे दूर रह के शायद एक दूसरे के करीब आ सके। सारे घर के नौकरों को छुट्टी भी दे दी है, इसका मतलब घर में कोई नहीं है और हम घर जा रहे हैं। तो बोलो वैलेंटाइन बाबा की जय। तो अगर घर में कोई नहीं है तो हम क्यों घर जा रहे हैं? काश काश जिसे मैंने दिल दिया, काश मैं उसे थोड़ा दिमाग भी दे पाता। अरे शानी, घर में कोई नहीं है और हम घर में अकेले हैं। मतलब इतने दिनों से जो हम छुप छुप के प्यार कर रहे थे, अब खुलम खुला करेंगे। जो मन में आएगा वो करेंगे। और प्यार तो होती ही ऐसी चीज है जो दो दुश्मन को एक कर देती है। भैया चने दे दो। जी। ये लो मैडम। ओ थैंक यू। ये लो। क्या मैडम, हम दिन भर में 500 नहीं कमाते और आप 500 का नोट दे रही हैं? छुट्टा दो ना। व्हाट नॉनसेंस, रखने चाहिए ना छुट्टे। अब मैडम नहीं है तो कहाँ से लाऊं? छुट्टा दो ना। मुझे क्या पता, कहीं से भी ले आओ ना। अरे मैडम चने वापस करो, चना दो और ये लो 500 रुपए। कहाँ कहाँ से आ जाते हैं दिन खोटी करने के लिए। कितने पत्ते? ये लो, ये लो छोटे पैसे। और तो चने तो इंसान देख के बात करनी चाहिए ना। देख नहीं रहे कि मैडम कितनी परेशान है? हम गरीब आदमियों से कोई ज्यादा परेशान होता है क्या? वैसे जाते जाते सही बात बोल गया, पर इसे क्या मालूम कि मैडम उससे भी ज्यादा गरीब है। ये लो अपने चने, तुम्हारे 10 रुपए तो क्या, एक पैसे का भी एहसान नहीं चाहिए मुझे। तुम्हारे पास का कुछ भी नहीं है चिराग। पहले रणवीर से मात खाते थे और अब उसकी मार भी खाने लगे हो। ईशानी को बदनाम करके रणवीर से अलग करने चले थे ना। इनफैक्ट तुम पूरी गुजराती कम्युनिटी के सामने बेइज्जत हो गए हो। दिशा, मैंने पूरी गुजराती कम्युनिटी के सामने मार जरूर खाई, लेकिन मात रणवीर ही खाएगा। उस दिन मैंने जो भी कहा उसके बाद रणवीर ईशानी को डिवोर्स जरूर देगा। You know what, चिराग? तुम जब खुद की तारीफ करते हो ना तो तुम मुझे और भी ज्यादा इडियट लगते हो। तुमने ईशानी और रणवीर को अलग नहीं बल्कि उन्हें एक कर दिया है। तुम यहाँ अपने जीत की ढोल बजा रहे हो, वो वहाँ अपने शादी की शहनाइयाँ बजा रहे हैं, चुप चुप के रोमांस कर रहे हैं। Yes, Mr. चिराग, वो सिर्फ एक नाटक है डिवोर्स का, दुनिया को दिखाने के लिए। वो सिर्फ प्रिटेंड कर रहे हैं एक दूसरे से नफरत करने का। इनफैक्ट उन दोनों का प्यार डे बाय डे और भी स्ट्रॉन्ग हो रहा है। क्या बकवास कर रही है तुम? मतलब रणवीर ईशानी को डिवोर्स नहीं दे रहा? उसे तो कभी देना ही नहीं था, पर जिसकी लाइफ बर्बाद हुई है वो तो मैं हूँ ना। तुम पे भरोसा किया ये सोच के कि तुम रणवीर की लाइफ बर्बाद करोगे, लेकिन तुम्हारे बस का कुछ भी नहीं है चिराग। और औकात ये चने खरीदने की है। What, Mr. Chirag? अब रणवीर तुम्हें बर्बाद करने का प्लान बना रहा है। क्या बकरी हो तुम? हाँ, बिल्कुल सही कह रही हूँ। मैंने ईशानी और रणवीर की बातें सुनी है। तुम्हारी वो जो गर्लफ्रेंड थी ना शैनिला, वो ठीक होने वाली है। और जैसे ही होश में आएगी सबसे पहला नाम वो किसका लेने वाली है ये तुमसे अच्छा कोई नहीं जानता। इसका मतलब ये हुआ कि शैनिला के जितने होश में आने के दिन बचे हैं ना, उतने तुम्हारे आजाद घूमने के दिन बचे। So all the best, चिराग। Stupid. अगर शनेला होश में आई तो पुलिस उसका स्टेटमेंट लेगी, और अगर उसने मेरा नाम लिया तो शिट। मेरी पूरी प्रॉब्लम की जड़ रणवीर और ईशानी है। लगता है उनका परमानेंट इलाज करना होगा। हेलो
क्या? अब हाँ, हम घर से इतनी जल्दी जल्दी निकले कि मैंने कुछ खाया ही नहीं, और अब इतनी तेज भूख लग रही है कि पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। चूहे? इतनी भूख लग रही है? इतनी भूख लग रही है कि दिमाग में कुछ आ ही नहीं रहा, कुछ और सोच ही नहीं पा रही मैं। I know, तुमने इतने अच्छे अरेंजमेंट्स किए हैं, and I'm sure कि खाने के भी अरेंजमेंट्स किए होंगे, right? खाना क्या है? वो मैंने खाने की अरेंजमेंट तो नहीं किए। क्या? तुमने खाना अरेंज किया क्या? मतलब डेट के अंदर तुमने खाना? मैं जानती हूँ कि प्यार इम्पोर्टेंट होता है, तो प्यार से पेट थोड़ी भरता है। ये बात तो सच है, सब कुछ अरेंज किया तो फिर खाना भी अरेंज करना चाहिए। सॉरी, वो दिमाग में मेरी बात तो आई नहीं। अब दिमाग होगा तो आएगी ना। कोई सबसे इम्पोर्टेंट चीज कैसे भूल सकता है? खाना। क्या डेट है? एक का पेट खाली, दूसरे का दिमाग खाली। ओके, देखो गुस्सा मत हो, मैंने इतना सब कुछ अरेंज किया तो क्यों ना खाने का अरेंजमेंट तुम करो। मैं? डेट का अरेंजमेंट किसने किया? तुमने। परिवार वालों को बाहर किसने भेजा? तुमने। नौकरों को छुट्टी किसने दी? तुमने। अब तुम जब इतनी सारी अरेंजमेंट्स कर रहे हो तो खाने की भी अरेंजमेंट तुम ही कर लो, एटलीस्ट तुम्हें वैलेंटाइन का क्रेडिट तो मिलेगा। इसमें क्रेडिट वाली क्या बात होती है? देखो, दिल का डिपार्टमेंट मैं संभाल रहा हूँ तो खाने का डिपार्टमेंट तुम संभालो, तुम वो करो जिसमें तुम लड़के एक्सपर्ट हो। एक्सक्यूज मी, तुम कहना क्या चाह रहे हो? मतलब खाने बनाने का डिपार्टमेंट सिर्फ हम लड़कियों का है? मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि जैसे हम मर्द काम करने के लिए बाहर जाते हैं, तुम लड़कियाँ घर में काम। बेसिकली तुम मर्द अपने आप को सुपीरियर समझते हो और चाहते हो कि हम लड़के सिर्फ किचन में रह रहे। ऐसा कब कहा? तुमने कहा नहीं, तुम्हारा मतलब वही था। थैंक यू मिस्टर आरवी फॉर एन अमेजिंग डेट। थैंक यू तो तुम्हें बोलना ही चाहिए, इतना सब कुछ अरेंज करने के बाद, इतना अच्छा सरप्राइज देने के बाद तुम मुझे सुनाओ। सुनना तुम्हें पड़ेगा क्योंकि तुमने जान पूछ के नौकरों को छुट्टी दी। क्यों? ताकि ईशानी को खाना बना के अपने खून पसीना बहाना पड़े। हम लड़कियों का तो काम ही है ना, जैसे तुमने कहा, काम ही है खाना बनाना। बना लेंगे, बना लूंगी मैं रोटी दाल भिंडी सब्जी सब बना लूंगी। ओ हेलो, मैंने तुम्हें खाना अरेंज करने के लिए कहा, बनाने के लिए नहीं। तुम भूल गई तुम्हें खाना बनाना आता कहाँ है? तुमने ना मेरा बहुत दिमाग खराब कर, तुम्हारा बेकार खाना खाके मुझे अपना पेट भी खराब नहीं करना। बेकार खाना? हाँ। उस दिन जो उंगलियां चाट चाट के भिंडी खा रहे थे वो क्या था? और क्या बोल रहे थे तुम? मन कर रहे जिसने भिंडी बनाई उसके हाथ चूमूंगा। हाँ, तो तुम्हारा दिल रखने के लिए मैं बोल रहा था। मैं जानता हूँ भिंडी कैसे मैं गले के नीचे उतारी मैंने। गले के नीचे उतारी? हाँ। अब मेरे पास ध्यान से दिमाग के अंदर उतार। तुमने मेरा वैलेंटाइन खराब किया और मैं तुम्हारा पेट खराब करूंगी। आज तुम्हें मेरे हाथ की बनाई हुई भिंडी खानी पड़ेगी। जी हाँ। अब वो मैं, तुम इतना भड़क क्यों रही हो शानी? मैं पिज्जा ऑर्डर कर लेता हूँ ना। पिज्जा है तो भिंडी उसके ऊपर रख के तुम्हें खिलाऊंगी, लेकिन आज तुम्हें भिंडी खिलाऊंगी। तुमको क्या हो गया? फिर तुम इतना भड़क क्यों रही हो शानी? सुनो तो सही। अरे हेलो, यस आर वी मच, वन वेज पिज्जा प्लीज जल्दी। शानी सुनो, शानी लगता है वैलेंटाइन कुछ एक्स्ट्रा स्पेशल होने वाला है, विद एक्स्ट्रा चीज़।